तो आज हम रिएक्शन देने वाले नेपाल आर्मी की एक डेड कैप्टन है जो जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उसको सलामी दे रहे हैं। और नेपाल आर्मी कैसे सलामी देते हैं, आज तक हमने पाकिस्तानी बहुत देख लिया है। सो आज हम देखेंगे कि नेपाली आर्मी अपने कैप्टन को, अपनी डेड कैप्टन को किस तरीके से सलामी देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद है इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पे मैं एक और बात करूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत सारी देखी है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे ड्रामों में, फिल्मों में और स्पेशली लाइव टेलीविजन के ऊपर भी हमने देखी है जब कोई डेथ हो जाता है तो उसको सलामी किस तरीके से देते हैं पाकिस्तान आर्मी। बट पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री और नेपाल एक हिंदू या बुद्धिस्ट कंट्रीज में इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बुद्धिस्ट भी है और हिंदू भी है, तो हम इसको ज़रा इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि यार थोड़ा सा कल्चर चेंज हो जाता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि नदी के किनारे पे ये लोग सलामी दे रहे, तो मुझे लगता है जिनकी मतलब अस्थियों को, जो हिंदू कल्चर में अस्थियां होती है तो उसको बहाया जाता है दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर, तो मुझे जहां तक लग रहा है वो अस्थियों को ही ये शायद सलामी दे रहे हो सकता है। मुझे कंफर्म तो नहीं है बट जहां तक मुझे लग रहा था इस तरीके से वो हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यार बाकी तो सारी चीजें सेम थी, जिस तरीके से वो फ्लूट वगैरह और बाजे वगैरह बजा के फायर करके तरीके से, उस तरीके से नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से सलामी दी जाती है
सेम वही था, बट एक चीज मुझे जहां तक मिसिंग लगी, शायद इस वीडियो में सही तरीके से दिखाया नहीं गया, तो मैं इसलिए इस पॉइंट को जरा शामिल कर रहा हूँ कि अस्थियों को ये सलामी दे रहे थे। हो सकता है कि इन लोगों ने पहले भी दी और अब के टाइम पे भी सलामी दे रहे हो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और ये मुझे नहीं अभी लगा कि यार एक तरीके से हम जब मुसलमान आर्मी के अंदर कोई डेथ हो जाती है तो हम उसको उसकी डेड बॉडी को उसके ताबूत को सामने रख के उसको सलामी देते हैं, और यहाँ पे अस्थियों को दे रहे, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है कल्चरली देखा जाए तो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करें अल्लाह हाफिज़।